मैं जुलेखा अरफान जुलेखा किचन से, आप लोग सब कैसे आए, होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का करम है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन्स की करी, झींगा करी मतलब ग्रेवी। जैसे सिंपल हम घर में कैसे बनाते हैं, वैसे मैंने एक दूसरी स्टाइल की प्रॉन्स करी मैंने बताई है। आई थिंक उसमें मैंने दूध डाला है इसका, कोकोनट का, खोपरे का और नारियल का, तो आप वो वाली वर्जन भी चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। कुछ सी फूड्स के रेसिपीज भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, बढ़िया सी मच्छी और प्रॉन्स के, तो उन सारों के लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, इनफैक्ट प्ले लिस्ट ही डाल दूंगी। मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए, पकाइए और इंजॉय कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ना ये झींगे हैं, ये आधा किलो झींगे हैं, साफ करे हुए हैं और रग निकाली हुई है। और इसको आपको साफ कैसे करते हैं झींगों को, उसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो साफ कैसे करते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या बात मैं इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं, फ्रेश कैसे रहते हैं आप, वो कैसे जज कर सकते हैं कि फ्रेश कैसे रहते हैं प्रॉन्स झींगे, तो वो सब मैंने उस वाले वीडियो में बताया है। अब मैं यहां से शुरू करती हूँ कि मैं झींगे का सालन कैसे बनाती हूँ सिंपल तरीके से, घर पे सारे हाजिर मसालों में ही बन जाएगी। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। ये सारे धोए हुए झींगे 500 ग्राम बड़ी साइज के लिए है मैंने, आप चाहे तो छोटे ले सकते हैं, मीडियम साइज ले सकते हैं, जंबो प्रॉन्स ले लीजिए, बढ़िया से मजेदार लगेंगे उसपे। तो और अब मैं इसका सालन बनाती हूँ। चलिए, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, तेल अपने आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, कुछ कड़ी पत्ते डाल दीजिए और जब कड़ी पत्ते तड़तड़ा जाए, फास्ट आंच ही रखिएगा, तो इसमें डाल दीजिए 3 टमाटरों को छील निकाल कर और बारीक काट कर, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 1/4 या आधा छोटे चाय चम्मच के दरमियान में हल्दी डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, आधे एक मिनट तक पकने दीजिए। जब आधा एक मिनट हो जाता है तो स्लो आंच करके ढक के इसे 4-5 मिनट तक पकने दीजिए, तब तक पकाए जब तक ये जो टमाटर है नम नहीं हो जाते। टमाटर आप देख सकते हैं 4-5 मिनट के बाद नम हो चुके हैं, इस तरीके से स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से इसे मैश करें तो अपने आप नम हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें डाल दीजिए धनिया पाउडर, मैं 4 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ, आप 3 भी डाल सकते हैं, और मैं 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। 1/4 कप जितना पानी डाल दें और मिक्स कर इसे ढक कर 4-5 मिनट तक स्लो आंच पर पकने दें, चूल्हा स्लो कर दीजिएगा हाँ, और या फिर तब तक पकाएं जब तक ये जो मसाला है अच्छा भून नहीं जाता और तेल नहीं छूट जाता, तब तक। अच्छा, जब तक मसाला भून रहा है, यहाँ पर मैं 1 से 2 प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मैं एक मसाला कूट रही हूँ, वो कूट के इसमें डालूंगी, आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच या 1.5 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से बेटर है, आप ये मसाला जो कूट के बना रहे क्विकली बन जाता है, 2-3 मिनट में तो हार्डली आपको कुछ लगेगा इसमें समय, और ये आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ज्यादा बेहतर आएगा। और मैं कभी भी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, ना ही मेरे मच्छी के सालन में और ना ही मेरे प्रॉन्स की करी में या बिरयानी में या किसी में भी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज नहीं करती हूँ, बहुत रेयर, यू नो, मच्छी के फ्राई करने में बहुत कम समय है मेरे पास, तो तब यू नो कोई वो नहीं रहता कूटने का समय, तब मैं डाल देती हूँ, नहीं तो 99% में ये मसाला ही बनाकर मैं मेरे मच्छी और झींगे के इसमें ग्रेवीज है या बिरयानीज है पुलाव है उसमें डालती हूँ। चलिए ये क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया क्या क्या है, ये है 10 कली लहसुन की, 1 हरी मिर्ची, आप 2 भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, ज्यादा स्पाइसी वाला ग्रेवी नहीं है आज तो, ये 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इन तीनों चीजों को उखल में डालकर कूट लीजिए, एकदम अच्छे से जब कूटा जाए तो साइड पर रख दीजिए। चलिए, इसमें 4-5 मिनट हो चुकी है, देख सकते हैं आप तेल ऊपर आ चुका है और मसाला थोड़ा भून चुका है, फिर से मैं 1/4 कप जितना पानी डालूंगी और एक बार फिर से मसाले को भूनने रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से टमाटर दिख रहे हैं। अच्छा, आप चाहें तो टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं या फिर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं,
चलिए इसे मैंने मिक्स कर लिया, इसे फिर से स्लो आंच पर ढक कर 4-5 मिनट तक मसाला भूनने रख देती हूँ। अच्छा, जब तक मसाला भून रहा है, और अभी आपने देखा मैंने एक मसाला कूट के रखा है जो फ्रेशली कूट के मैं डालने वाली हूँ, जिससे बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। उसके बाद मैं यहाँ एक और प्रिपरेशन कर रही हूँ जब तक मसाला भूनते रहेगा। ये है नारियल की चटनी, बहुत ही मजेदार लगती है, बढ़िया लगती है सी फूड के साथ स्पेशली। मैं हमेशा बनाती हूँ, बिरयानी है, पुलाव है, मतलब मच्छी या जो प्रॉन्स का होता है, तो मैं हमेशा ये वाली चटनी जरूर बनाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, आप देखिएगा, आप बनाइएगा एक बार, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है मालूम है, ये नारियल की चटनी है। सबसे पहले तो नारियल मैंने आधा नारियल लिया है, उसकी जो ऊपर की जो स्किन है ब्राउन कलर की वो निकाल दीजिए। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चियां ली, आप अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्चियां ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 लहसुन की कली ली है, थोड़ी बड़ी बड़ी है, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ कोथमीर कहिए या क्या कहते हैं धनिया, आप ये भी ले सकते हैं, ये लेना है समझिए ना, 2 टेबलस्पून जितना लीजिए, 2 से 3 टेबलस्पून। आप कम या ज्यादा इनमें से सारी चीज कर सकते हैं। हाँ, और ये सारी चीजों को अब हम पीसते हैं। छोटे से मिक्सर जार के अंदर ये सारी चीजें डाल दें और इसे पीस लें। 10-20 सेकेंड हो जाए तो खोलकर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लें। जब बहुत अच्छा बारीक आप पीस लें, इसे एक प्याले में निकाल लें और ये जो हमारे मिक्सर जार है उनमें से भी अच्छे से निकालिएगा, जो भी यहाँ वहाँ लगा वो सारा निकाल लीजिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा नींबू डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चख लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ एडजस्ट करने जैसी लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। अच्छा, बट मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार सा। तो मैं यहाँ इसे ढक कर साइड पर रख देती हूँ। ये बन गई हमारी नारियल की चटनी सी फूड के साथ सर्व करने के लिए रेडी। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमने मसाला जो कूट के रखा है, ये फ्रेशली कूटने वाला मसाला सारा डाल दीजिए। और ये जो मसाले जिसमें मैंने उखल में कूटा, उखल के अंदर 1/4 कप जितना पानी डाल देती हूँ और वो भी चलाकर आप ये ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच पर ढक कर इसे 3-4 मिनट पकने दीजिए। अब मैं ये तीसरी बार कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 बार मसाला भून सकते हैं, आप चाहें तो 1 बार ही भून सकते हैं। अगर आप टमाटर पीस के डाल रहे हैं तो 1 ही बार भूनिएगा। मैं 3 बार डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर ऐसे दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो मैं फिर से ढक कर रख देती हूँ। चलिए 3-4 मिनट हो चुकी है, मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून चुका है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हा सबसे पहले तो फास्ट आंच पर कर दीजिए। ये साइड पर हमने जो प्रॉन्स रखे हैं, श्रिम्स कहिए, झींगे कहिए, धो के नितार के, ये सारों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। आपके बड़े हों, छोटे हों, मीडियम साइज के हों, किसी भी तरीके के साइज के झींगे हों डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। बार बार चलाते रहिए और फास्ट आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसे पकने दें। जब आप 3-4 मिनट के लिए पकाते हो ना, तो आप देखेंगे इसका पानी छूट रहा है और वो सूख भी रहा है। इसका पानी छूटेगा भी और सूखेगा भी। 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरीके से पानी छूट चुका है। मैं चख लेती हूँ, नमक डाल दीजिए, मुझे एडजस्ट करना है तो मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है क्योंकि स्पाइस कम लग रहा था। आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा, ऑप्शनल था ये स्टेप। अच्छा, इसे तकरीबन 3-3.5 मिनट तक ही मैंने पकाया क्योंकि ज़्यादा आप ये जो प्रॉन्स है उसे पकाएंगे तो ये ज़्यादा बट्टर रबड़ी टाइप हो जाएंगे। इसके लिए मैं 3-3.5 मिनट ही पका रही हूँ और यहाँ 1/2 कप मैंने पानी डाला है। चूल्हा फास्ट पर ही है, आप चाहें तो यहाँ पर जो पानी मैंने डाला है वो सादा डाला है, आप गर्म करके भी डाल सकते हैं। और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 1.5 मिनट तक पकने दीजिए। जब 1.5 मिनट तक फास्ट आंच पर पक जाए तो स्लो आंच करके 2-2.5 मिनट तक इसे पकने दें, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो आंच पर नहीं पकाना है तो आप मीडियम कर दीजिए आंच को और 2-2.5 मिनट मीडियम आंच पर पकाएं, तब आपने मीडियम आंच पर ढकने की जरूरत नहीं है। चलिए मैंने ढक लिया है, चलिए 2.5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है क्योंकि हल्की सी अब मैं निकालूंगी और जब तक सर्व करूंगी तो हल्की ठंडी भी हो जाती है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, आपको एडजस्ट करना है तो आप फास्ट या मीडियम आंच करके पानी सुखा लीजिएगा। चलिए अब मैंने यहाँ आपने देखा टोटल 2.5 मिनट यहाँ दिया और 1.5 मिनट मैंने फास्ट आंच पर पकाया तो टोटल वो 4 मिनट हुए और उससे पहले मैंने 3.5 मिनट तक पकाया तो टोटल 7-7.5 मिनट में मेरे झींगे पक चुके। इससे ज़्यादा मत पकाइएगा क्योंकि झींगे रबड़ी हो जाएंगे, बट्टर हो जाएंगे और खाने में चूई एकदम लगेंगे। अभी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट और मज़ेदार है। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद।
इनफैक्ट झींगे ना 4 से 5 मिनट में तो पूरी तरीके से गल जाते हैं, मतलब पक जाते हैं। यहाँ पर ही मैं अभी ये देख सकते हैं आप, पहले तो सबसे पहले तो तेल देखिए, तरी ऊपर आ चुकी है। ये देखिए क्या बढ़िया सी मजेदार सी ग्रेवी लग रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है। हाँ राइट, आपने सही सोचा, आपने लाइक करना है ये वाले वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी ये लिंक्स फॉरवर्ड करना है। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं और दूसरी जो मैंने चटनी की बताई, एक नारियल की चटनी की, वो ये दोनों रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सी मज़ेदार सी ग्रेवी लग रही है और मैं इसे सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। दोनों रेसिपीज़ मैंने दी है, आई होप आपको दोनों अच्छी लगे और आप दोनों बनाएं तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपके फीडबैक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।